गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि अपन अभी बात कर रहे थे लक्ष्य अकेडमी की, जहाँ पे आज 4 फरवरी को स्कॉलरशिप का एग्जाम हुआ है, तो इसे पेरेंट्स आप देख रहे होंगे, पेरेंट्स आए हैं बच्चों को एग्जाम दिलाने। तो चलिए बात करते हैं एक एक पेरेंट से, पूछते हैं कहाँ से आए हैं और कैसे हैं आप। मैडम कहाँ से हो आप? मैं पटना सिटी से। पटना सिटी से हो, बच्चों को एग्जाम दिलाने हो। क्या नाम बच्चे का? बच्चे का वैभव सिन्हा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, यहाँ का पढ़ाई तो बहुत ही मस्त है, A1 है। किस चीज का तैयारी कर रहा है बच्चा? सैनिक स्कूल RMS दोनों का भी एग्जाम दिया है। अच्छा, कब से पढ़ रहा है बच्चा यहाँ पे? 7 महीने से। 7 महीने से पढ़ रहे। कहाँ सुना था अकेडमी का नाम, कहाँ सुना था? मैंने तो YouTube से ही जाना। कहाँ से जाना था? YouTube के थ्रू जाना था। यस। चलिए ठीक है, सर के पास। कैसे हैं सर? ठीक है सर। कहाँ से? राजगीर से। राजगीर से जी। तो यहाँ पे आज कैसे, कहाँ कैसे सुनूंगा? अभी यहाँ बच्चे का स्कॉलरशिप का एग्जाम दिलवाने आया हूँ। पहले कहाँ था बच्चा? पहले पिछले साल भी यहीं पे पढ़ा था। पिछले साल यहीं पढ़ा था। अच्छा, पहले जयपुर ब्रांच में था? हाँ, बड़ा बच्चा मेरा जयपुर ब्रांच में सर। बड़ा बच्चा जयपुर ब्रांच में आपका। किस चीज़ का तैयारी कर रहा है बड़ा बच्चा? सैनिक स्कूल और RMS का। सैनिक स्कूल और RMS का जी। तो जैसे कि आपका छोटा वाला बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, जिसका नाम यश कुमार है। यश कुमार है, तो यश कुमार को आप यहाँ पे जैसे पढ़ा रहे हैं, तो क्या अकेडमी में आपने कुछ अच्छा देखा, या क्या आपको डीमेरिट्स लगे, क्या मेरिट्स आपको अच्छे लगे, अकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी सर, बताइए। मैं पिछले साल इसका बेसिक मजबूत करने के हिसाब से यहाँ पे डाला था कि बेसिक मजबूत हो जाए, तो इस साल जब सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिलवाया और हमने उसका मार्क्स वगैरह मैच किया तो 250 के आसपास आ रहा है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरा बच्चा जो है, मैं जितना चाहता था कि एक साल में तो करीब करीब नहीं प्रिपरेशन होता है जी। तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि यहाँ तक पहुँच गया, अगले साल निश्चित ही रूप से वो निकाल लेगा जी। थैंक यू सर। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं। बढ़िया है। बहुत। तो कहाँ से हैं आप? हम तो लखीसराय से हैं। कहाँ से? लखीसराय बिहार से। तो यहाँ लक्ष्य अकेडमी में आज जी बच्ची का एडमिशन करवाने के लिए लाया हूँ। बच्ची का एडमिशन कर ले जी जी। अच्छा, एक बच्चा आपका पढ़ता है अभी? बच्चा पढ़ा, अभी एग्जाम भी दिया मिलिट्री का और सैनिक का। अच्छा अच्छा, कब से जुड़े हुए लक्ष्य अकेडमी से आप? पिछले ईयर से जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर जुड़े थे जब पटना ब्रांच में ओपन हुआ था? जी जी, उसी टाइम से। अच्छा अच्छा, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे अकेडमी के बारे में, कैसा आपको यहाँ पे रहना, कहना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इसी वजह से तो मैं दोबारा अपनी बच्ची को भी एडमिट कराना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा बच्चा बहुत वीक था पढ़ने में, बट बहुत अच्छा अभी वो कर पाया है, पहले के हिसाब से बहुत अच्छा कर पाया है। अभी भी हमको रिजल्ट मिलता है उसका, तो बहुत अच्छा लगा, तो इसी वजह से सोचा कि बच्ची को भी यहीं भी एडमिशन करा दें ताकि ये भी बेहतर कर पाए। तो बच्चा हॉस्टल में रहता था? हाँ, वो हॉस्टल में नहीं रहती थी, वो घर पे। जो बच्चा यहाँ पढ़ता था वो हॉस्टल में रहता था? हाँ जी हाँ। तो हॉस्टल वगैरह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में ऐसा हॉस्टल आपने कभी देखा हो या कहीं गए हो वहाँ पे ऐसा हॉस्टल विजिट करने के लिए? कई जगह मैंने गया था, गोपालगंज के तरफ भी गया था, बिहार में भी गया और कई कई जगह में गया, बट इतना बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रहा था। कई जगह घूमने के बाद यहाँ बेहतर सुविधा मिला तो हम यहाँ पर आए। कोई एक ऐसा सुझाव जो आप देना चाहेंगे कि हमें उस पर सुधार और करने की ज़रूरत है हमारी अकेडमी को लेके, कुछ ऐसा सुझाव आपकी तरफ से? सुझाव यही है कि मान लिया जाए बच्चे बहुत तरह के लोग होते हैं, तो बच्चे पे विशेष ध्यान दिया जाए ताकि उनका रिजल्ट निकल पाए। हर बच्चा हर कैटेगरी का होता है, कोई पढ़ने में तेज भी होता है, कोई कमज़ोर भी होता है, तो कमज़ोर बच्चे पे थोड़ा विशेष ध्यान देने के बाद उनका भी अगर रिजल्ट निकलेगा तो उनका भी भविष्य बनेगा, इससे लक्ष्य अकेडमी का भी गौरवान्वित महसूस होगा जी। चलिए ठीक सर। कहाँ से सर? सर हम नवादा से। कहाँ से? नवादा। नवादा से। तो यहाँ आज आए हैं, एक मेरा चाचा का लड़का था, वो साहिल कुमार, पिछले बार यहाँ से 280 नंबर सब इस उसका आ रहा है। पिछले बार यहीं से पढ़ा था? हाँ, यहीं से। साहिल कुमार नवादा से? नवादा। अच्छा, तो उनको देख के? हाँ, तो एक मेरी सिस्टर का बेटी है। आपकी सिस्टर की बेटी है, उनका लड़का था साहिल कुमार? नहीं नहीं, मेरे चाचा का लड़का था। चाचा का लड़का था। हाँ, वो इस बार 280 नंबर लाया है, तो परफॉर्मेंस यहाँ से बेटर था। तो आप किसको एग्जाम दिलाने लाए अभी? मेरी एक भगनी है। भगनी को? हाँ, तो अगर यहाँ से हो जाता है तो बेटर है। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। कैसे हैं? बस ठीक है। कहाँ से आए आप? छपरा से। छपरा जिला से जी। तो आज यहाँ पे कैसे आए? हम नेट पे देख के अपने बच्चे के लिए। नेट पे देखा था जी सर। किस चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं बच्चे को? सैनिक स्कूल वाले। सैनिक स्कूल वाला जी सर। तो कहाँ देखा था आपने, कैसे? YouTube पे देखा था, Google पे? कहाँ देखा था? Google YouTube पे देखा था। YouTube पे देखा था। कौन से सर को देखा था YouTube पे?
सर मतलब जयपुर वाला जो दे जयपुर जयपुर करके हाँ उस पर ही देख के मतलब करके देखे थे। तो अभी क्या उम्मीद रखते हैं आप अपने बच्चे से, क्या 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 करवाएंगे आप उसको? बस सैनिक स्कूल का तैयारी कराएंगे, अगर एग्जाम देगा निकाल लेगा तो अच्छा है सर। अच्छा। तो आप मैडम? हाँ एक ही बच्चा। एक ही बच्चा, चलिए तो रुको ना भाई आधा घंटा आते हैं। कैसे हैं सर? जी बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी बक्सर। बक्सर से? जी। तो आज यहाँ पे आप कहाँ देख के आए थे? लक्ष्य अकेडमी को कहाँ देखा था आपने सबसे पहले? यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कोचिंग वगैरह के बारे में। अच्छा। तो मुझे लक्ष्य अकेडमी का मिला जो कि वहाँ जयपुर में राजस्थान से था। हाँ। तो फिर वहाँ से मैंने कॉल किया तो पता चला कि बक्सर यहाँ पटना में भी है जी। तो आपसे भी बात हुई है तो फिर यहाँ मैं एक बार मिलने के लिए भी आया, देखा यहाँ अच्छा लगा तो मैं सोचा कि ये आरएमसी और ये सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए बच्चों को। तो फिर हमने स्कॉलरशिप एग्जाम भरा था। कहाँ से भरा था स्कॉलरशिप एग्जाम? तो ऑनलाइन अपने मोबाइल से भर दिया था। ऑनलाइन मोबाइल से भर दिया था? सही से भरा गया था? जी भरा गया था। कोई परेशानी नहीं? परेशानी नहीं। चलिए बढ़िया। आप सर कहाँ से? नवादा से। नवादा से जी। तो यहाँ पे आज किसको लेके आए आप साथ में? मेरा भांजा है। भांजे को लेके आए जी। क्या कौन सी क्लास में भांजा? भांजा फोर में। फोर में। किस चीज़ की तैयारी करवाना चाहते हैं भांजे को? सैनिक स्कूल का। सैनिक स्कूल का। कहाँ देखा था लक्ष्य अकेडमी को? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखा था। आप सर कहाँ से? सर बात कर लेंगे। सर बात करो। कहाँ से? पटना से। पटना में क्या कहाँ रहते हैं? रामकृष्णा नगर। कृष्णा नगर। तो यहाँ आज आप किसको लेके आए साथ में? मेरी ही स्टूडेंट है, इस बार सैनिक का एग्जाम भी दी है। अच्छा। तो उसी को लेकर आए। आप ही स्टूडेंट है जिसने सैनिक का एग्जाम दिया? हाँ। अच्छा क्या मार्क क्या स्कोर रहा था उसका? 210 के आसपास आ रहा है। अच्छा चलिए। तो क्या कहाँ देखा था हम लक्ष्य अकेडमी को? कहाँ से मिला आपको कि अब बिहार के अंदर भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का प्रिपरेशन कराता है? एक्चुअली देखा था यूट्यूब पे ही, लेकिन आपका सेट वगैरह टेलीग्राम पे अवेलेबल था तो टेलीग्राम का जितना भी सेट था आपका काफ़ी रिलेवेंट था उसका क्वेश्चन वगैरह, तो उसी को देख कर हम यहाँ पे आए हैं कि सेट वगैरह। टेलीग्राम का क्वेश्चन देखे थे आपने? अभी जैसे सर जैसे आपको पता होगा अभी अपना एप्लीकेशन का भी हो रहा है काम, तो उसके अंदर भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे? हाँ सर वो तो पता ही है, टोटल डिटेल वगैरह निकाले थे कि क्या क्या वहाँ पे है और क्या तो क्या एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको क्या लगा जो आपको यहाँ पे अट्रैक्ट करके लेके आया कि नहीं मैं लक्ष्य अकेडमी में जाऊँगा? स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही लगा कि जितना भी मॉक टेस्ट वगैरह था रिलीवेंट था और मतलब एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर मॉक वगैरह भी अगर कोई बच्चा 15 मॉक दे के जा रहा है तो वो अगर आपका मॉक में 200 भी स्कोर कर रहा है तो वो एग्जाम में 230-240 के आसपास स्कोर कर लेगा। यानी आपको हमारे जो क्वेश्चन पेपर जो हम लेते हैं बच्चों से जो मॉक टेस्ट लेते हैं उनका लेवल अच्छा लगा? आपको लगा कि मॉक इनका बहुत रिलेवेंट है और बहुत मॉक वगैरह बहुत ज़्यादा रिलेवेंट लगा हमको। और कोई एक अच्छी चीज़ जो आप बताना चाहेंगे अकेडमी के बारे में? अकेडमी का फिर मैंने रिजल्ट वगैरह भी देखा और फिर जितना भी इंस्टीट्यूशन है आपका जयपुर वगैरह का सारा का इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों को कैसे प्रॉपरली ट्रेन किया गया है वो सब भी देखें तो काफ़ी अच्छा लगा। रिजल्ट की बात करें तो आपने देखा हो कि आरएमसी के अंदर ऑल इंडिया रैंक वन दिया अकेडमी ने? हाँ हाँ ये भी देखे थे। तो आपके बिहार से था ऋतिक राज है ना, औरंगाबाद से? हाँ हाँ। चेक किया था आपने? हाँ हाँ देखे थे। आरएमसी के बारे में सुने आप? हाँ हाँ सुने हैं। चलिए ठीक है सर। देहरादून में एक ही है? हाँ जी इकलौता एक ही है आरएमसी। इकलौता एक ही है देहरादून में। हाँ इस बार अपने आरएमसी के अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देने वाली अकेडमी के अंदर नाम आ गया अपना, देखा था आपने? सर देखे हैं, हम नहीं देखे। सर देखे सर, सर देखे। चलिए आगे चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। कहाँ से हैं आप? हम सहरसा से हैं सर। सहरसा डिस्ट्रिक्ट से? जी सर। तो आज यहाँ आप आए हैं एकेडमी के अंदर? जी सर। कहाँ देखा था आपने एकेडमी के बारे में, कहाँ सुना था आपने? हमारे एक सर के बच्चे हैं इसमें, आर्मी से ही हैं। अच्छा। उनका भी बच्चा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता है एक बड़ा वाला, तो बताए जो हमारा लड़का पिछले साल उसको हम देखे थे थोड़ा पुअर था, इस बार वो बोला है जो मिलिट्री स्कूल में 137 नंबर के आसपास ला रहा है और प्रोग्रेस भी अच्छा देखे हैं, तो उसी के चलते हम भी अपने छोटे बच्चे को जो है सो एडमिशन के लिए। तो आपने यूट्यूब पे भी देखा था क्या? हाँ यूट्यूब पर हम पहले लक्ष्य का जो है सो सर जो जयपुर में है उनका वीडियो हम देखते थे जब बड़ा वाला लड़का के एडमिशन के लिए, तो उसी में हम इसके बारे में जान रहे थे, पहले से जानते थे हम लक्ष्य को। पहले से जानते थे आप लक्ष्य? जी सर जी सर। और लेकिन अभी सर जब बताए जो उनका लड़का पढ़ रहा है और अच्छा रिजल्ट लाया है तो इसको लेकर के बच्चे को लेकर के आए हैं। कोई अच्छी चीज़ आपने यहाँ पे देखी? लोकेशन कैसा लगा आपको? अच्छा है सर, शांत पीसफुल एरिया है, बच्चे को पढ़ने का माहौल एनवायरनमेंट मिल रहा है। जी 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 सर। अब वो लगता है कि बच्चा यहाँ पे रहेगा तो बच्चा मेंटली फिजिकली एकदम ऐसा ही जगह चाहिए बच्चे को जो है मेंटली फिजिकली ग्रो करने के लिए सर।
अच्छा और कोई अच्छी चीज आपको लगी हो अकेडमी में, स्पेसिंग हो या वेंटिलेशन हो, अच्छा हो स्पेस हो? बहुत अच्छा सर, हमने बच्चों को, हम अपने बड़े वाले बच्चों को इससे पहले दो तीन अकेडमी में डाले थे, लेकिन उनसे काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। कहाँ से मैडम आप? मैम बीटा से बिलोंग करती हूँ। कहाँ से? बीटा, बीटा से। बीटा से आप? तो आपने आज किसको एग्जाम दिलाने लाए अपने साथ? अपने अपने भतीजा को लेकर आए। भतीजे को लेकर? कहाँ देखा था आपने लक्ष्य अकेडमी के बारे में? के संदीप क्लासेस है, चलता है पटना में। क्या चलता है? संदीप क्लासेस। अच्छा, वहीं पे मेरा भतीजा पढ़ता था, तो वहीं से सर लोग नॉलेज दिए, तो गूगल और यूट्यूब पे सर्च किया। मतलब सर्च किया गूगल यूट्यूब पे? क्या सर्च किया आपने? कि सैनिक स्कूल इन बिहार, कैसा है क्या है, तो वही पता लगाया, तो पता चला कि यहाँ काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ आने के बाद भी स्कूल में एक रौनक है, पढ़ाई एक अलग एजुकेशन। एनवायरनमेंट कैसा लगा कि आप इतनी दूर आए? आपने देखा बिल्डिंग है, एक पीसफुल एरिया है, बच्चों को एनवायरनमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल एनवायरनमेंट मिलेगा और एक अलग लुक है यहाँ का, और पढ़ाई बेटर हो सकता है क्योंकि शांत एरिया है। कुछ डाउट्स थे आपके आने से पहले, मतलब कि बिल्डिंग कैसा होगा या वहाँ के लोग कैसे होंगे? रिजल्ट देखा था आपने, चेक किया था रिजल्ट? हाँ, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसका, जो रिजल्ट निकलता है तो यूट्यूब पर हम देखे थे, काफ़ी अच्छा है, इंजॉय करते हैं लोग, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं इस पर काफ़ी इंटरेस्टेड थी, इसीलिए टाइम से मैं पहले आ चुकी हूँ। और भतीजा भतीजी दोनों को डालने आई हूँ, एक दोनों को, दोनों को, और दो और बच्चे हैं तो उनके लिए अभी छोटे हैं, इस लाइक इस एज के होते ही फिर इसमें ही मैं इन्वॉल्व करवाऊँगी लोग भी। और कुछ कहना चाहेंगे मैम एकेडमी को? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा डेवलप हो जाए तो और बेटर हो जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।